हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मावलीज रसोई। आज नी मारी रेसिपी छे गोटा ने चटनी। आधा चम्मच से भी कम नींबू के फूल, आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच काली मिर्ची, एक चम्मच आखा धनिया, एक चम्मच तिल, नमक, दो चम्मच पीटी शक्कर, हरी मिर्च, अदरक की पेस्ट, मेथी काट के लिए हमने सूजी 50 ग्राम, हरा धनिया 300 ग्राम, बेसन। हम पहले बेसन लेंगे। सूजी डालेंगे, हरी मिर्च, अदरक की पेस्ट है, तिल, काली मिर्ची और आखा धनिया हमने क्रश करके ले लिया है, वो डालेंगे। पीठी शक्कर डालेंगे। हमने नींबू के फूल लिए, वो डालेंगे। स्वादानुसार नमक भी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको आटा मिक्स करना है। अभी हम मेथी डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिला के ले लेंगे। हमारा बेसन का घोल इतना पतला होना चाहिए। अभी हम इसमें सोडा डालेंगे। अभी हम थोड़े से आधा चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से मिला के ले लेंगे। हमने अच्छे से मिला लिया है। अभी हम गोटे बनाएंगे। हम पानी का हाथ लगा के गोटे बनाएंगे। मध्यम आंच पर ब्राउन होने तक तक हमने तल के ले लिए हैं। हमारे गोटे बनकर तैयार हैं। आधा चम्मच से मैंने कम नींबू के फूल लिए हैं, हींग ली है, हल्दी हम आधा चम्मच से कम लेंगे, 8-10 कड़ी पत्ता, 1 चम्मच शक्कर, राई 1 चम्मच, हरी मिर्च, अदरक की पेस्ट, हरा धनिया आधी कटोरी से भी कम बेसन। हमने आधा कटोरी से कम मैंने बेसन ले लिया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हमको 2.5 गिलास पानी डालना है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। हमने बेसन में 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। अभी हम उबाल के लेंगे। हमने आधा चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें हम राई डालेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक की पेस्ट डालेंगे, हींग डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, सब अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम ये बेसन का घोल इसमें डाल देंगे। नींबू के फूल डालेंगे, शक्कर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे।
थोड़ी सी गाढ़ी हो तब तक हम इनको हिलाते रहेंगे। चटनी खट्टी मीठी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप शक्कर नमक डाल सकते हैं। अगर लगता है आपको पतली है तो आप बेसन पानी में घोल के डाल दीजिए। हमारी चटनी बनकर तैयार है, हमारी रेसिपी बनकर तैयार है।